हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आज एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहिए हमेशा की तरह। दोस्तों फाइनली आज रिएक्ट वीडियो, रिएक्शन वीडियो तो आज नहीं है दोस्तों आपके लिए। फाइनली मैं आज अपने मुकबांग स्टाइल में हम लोग बनाए हैं आज दाल, और दाल रेसिपी और राइस और चटनी। तो आप लोगों को भी स्वागत है खाने के लिए दोस्तों। और दोस्तों आप लोग को ना क्या बताऊँ यार, इतनी प्यार सा सब, थैंक यू यार मेरे दिल से यार, कि क्या बताऊँ इतना भाई, बहुत खुश हूँ आप लोग से, आप लोग के प्यार मोहब्बत से बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ दोस्तों। कि मुँह में मेरे को पता ही नहीं था कि आप लोग इतना साथ सपोर्ट करोगे ये हो, और बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस यार, मैं बहुत आप लोग से बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है और आप लोग ने अगर खाना खाना नहीं खाए तो प्लीज़ खाना खा लीजिए, और अपना सेहत का ख्याल ज़रूर रख लीजिए दोस्तों। गर्मी का टाइम है, जून जुलाई का महीना है, तो ज़रूर अपना ख्याल रख लीजिए दोस्तों। और वेलकम है आप सभी को खाना खाने के लिए। और दोस्तों मैंने पहले बता चुका हूँ आप लोग को, अगर नहीं पता है तो ज़रूर वीडियो वगैरह देख लीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी जितने भी मेरे नए नए सब्सक्राइबर हो, आप लोग को सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में मस्ट वेलकम है, आप सभी मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स फैमिली सभी को। और दोस्तों जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, कमेंट कीजिए, मतलब कि कीजिए, क्योंकि मैं रिप्लाई दे दूंगा जरूर। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं फटक से उसी टाइम रिप्लाई दे दूंगा दोस्तों। मुझे पता नहीं चलता ना, जैसे यूट्यूब में देखता हूँ ना, जैसे YT स्टूडियो जहाँ पे भी मैं चेक करता हूँ ना, मतलब पूरा नहीं दिखाई देता कि किन्होंने सब्सक्राइब किया किन्होंने नहीं किया, तो इतना पता नहीं चलता, इसलिए कमेंट कर दिया कर लो ठीक है प्लीज़। और बाकी दोस्तों मैं तो जैसे रिएक्ट वीडियो वगैरह और जैसे ब्लॉगिंग वगैरह है ना, शॉर्ट वगैरह ये बनाते रहता हूँ। और वैसे यूट्यूब चैनल मतलब खोला हुआ है, यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आई एम सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैं बीच में बीमार भी हुआ था और लगातार काम नहीं कर पाया, क्योंकि मैं एक प्लेस मतलब गाँव से हूँ और मैं शहर में रहता नहीं हूँ, और खुद तो मैं जॉब भी करता हूँ दोस्तों। और अभी तक आप लोग के प्यार साफ सपोर्ट मिल रहा है, तो इसी में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ दोस्तों। पहले जब शुरू में ना क्या करूँ, अब इतना टाइम मतलब कि जॉब भी करना और यहाँ पे नेट भी नहीं होना, नेटवर्क भी नहीं होना ना, तो इतना वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ, और लाइट हमेशा जाता रहता है, और कई बार तबीयत खराब वगैरह होता रहता है, तो इसीलिए सॉरी दोस्तों शुरू में जो भी मैंने किया है। और इस टाइम मतलब कि आज के दिन में मैं फ़िलहाल में जो भी है ना, आप लोग के साथ सपोर्ट से मैं भी खुश भी हूँ, और मन करता है, अच्छा लगता है कि आप लोग जितना प्यार साफ सपोर्ट आप लोग की तरफ से मिलता है ना, तो मन करता है कि कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट बना लो। पर दोस्तों मैं अभी फ्री में नहीं हूँ, मैं अभी भी जॉब करता हूँ ठीक है। तो धीरे धीरे जब आप लोग की दुआओं से है ना, तो जब यूट्यूब में बाई चांस, मेरे को अभी पक्का कंफर्म तो नहीं है, बाई चांस अगर अर्निंग शुरू हो जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ, मेरा सपना ये है कि जॉब छोड़ के आप लोग का साथ बना रहे और आप लोग के साथ बिताने के लिए सोच रहा हूँ, ताकि अच्छा अच्छा कंटेंट बना लूँगा, अच्छा अच्छा जगह पे चले जाऊँ, आप लोग के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो वगैरह लेके आऊँ जो भी है ना, तो ये सोच रहा हूँ। अभी साथ में जॉब भी करता हूँ ना, तो दिन भर जॉब करता हूँ, थकावट रहता है और गर्मी का मौसम मतलब कि महीना है, तो इसीलिए क्या करें दोस्तों, जितना भी मुझे टाइम वगैरह मिलता है उसी में फिर आप लोग को भी साथ देता हूँ ठीक है। तो ओके दोस्तों फटाफट खाना शुरू करते हैं। दोस्तों वेलकम है आप सभी को, और हैं आज दाल भी है और न्यूट्री भी है, और गर्मियों में ना सब्जी वगैरह बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ऐसे तो ठीक है। दाल तो ऐसे ठीक है, बढ़िया है, और न्यूट्री है, आलू न्यूट्री आलू नहीं, न्यूट्री आलू नहीं, ये क्या है, अच्छा कल्ला न्यूट्री और न्यूट्री रेसिपी है, और आलू की चटनी है, चटनी अचार जो भी, और राइस
भाई साहब राइस तो जबरदस्त। ओए गिर गया बार। वैसे रात को सोने टाइम में इतना हैवी यानी कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हल्की हल्की चीज़ खाना चाहिए ऐसे रात को सोने टाइम में, है ना। तो हम लोग को तो ऐसे आदत तो बनी है हमारा खाने की, शाम को ऐसे कम खाना चाहिए क्योंकि दिन भर काम करके थक जाते हैं ना। तो हम लोग काम भी ज़्यादा करते हैं, जैसे नागालैंड में कैंस ब्लॉक भाई मीने बहुत करते हैं ना गांव में खेती किसानी, वैसे हम भी मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और खाना फेरी थोड़े अच्छा खाना और थोड़े खाना नहीं खाते हैं, एक बार इकट्ठे खा लेते हैं, जैसे सुबह हो गया या शाम हो गया जो भी हो गया ना, तो एक बार भर के खा लेते हैं, उसके बाद दिन भर काम में लगे रहते हैं। तो गाइस आपको भी स्वागत है खाने के लिए न्यूट्री रेसिपी पटैटो चटनी और दाल राइस, स्वागत है गाइस आपको भी खाना खाने के लिए। हरे छे ना गेम खेलने तो रिमोट छ कता छ ते हो ते यो गेम खेल आउँछ ने ए ले ए ए दाबो त यहाँ ए ले हेर्छ कसरी दबाने ए त ए ले हे होला त ए ए अ यहाँ चेयरमा बसेर ल गर त ल म खाना खान्छु यहाँ त बस ए दबाऊ अनि फेरि ए दबाऊ गाइस खाना ठंडी हो गया यार, पंखा चल रहा है ऊपर, गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा था पर क्या करूं, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है गाइस। गुड बाय दोस्तों।